सेंड करें या हम कलेक्टेड के जरिए जो है वो नंबर दे सकते हैं हमको, ठीक है। अब हमको नंबर देकर जो है वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 या पेज नंबर 5 को जो है वो यहाँ पर देखें, ये इस तरीके से आपका आता है मतलब 1, ठीक है, कॉमा के साथ आप उसको डिफाइन करेंगे। तो पहला पेज, चौथा पेज, और आप कहते हो जी छठा पेज, और छठा सातवां आठवां नौवां दसवां, ये सारे हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे, एक डेज देके आप टेन कर देंगे इसको। पहला पेज, दूसरा, चौथा पेज, छठे से लेकर टेन पेज तक ये सारे प्रिंट आपको निकाल कर दे देगा। इस तरीके से आप उसको डिफाइन कर देते हैं प्रिंट प्रोडक्शन को, और इंशाल्लाह इसको मैं प्रैक्टिकली भी मैं आपको करके निकालूंगा प्रिंटर लगा के, फिर आप इसको थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि आगे भी लेक्चर काफी पड़ा हुआ है, टाइम बिल्कुल कम है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होती है, इस वक्त जो आपका पेज है ये पोर्ट्रेट है, वर्टिकल शेप में है, किस शेप में है, वर्टिकल शेप में है, ठीक है। अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ और मैं इसको लैंडस्केप करता हूँ तो अब ये किस में आ गया, लैंडस्केप, यानी कि हॉरिजॉन्टल टाइप, जिसमें आप सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रिंट करते हैं, ये लैंडस्केप आपको जो है वो ओरिएंटेशन कहलाती है। नॉर्मल जो पेज हम यूज कर रहे होते हैं उसकी साइज हमारे पास A4 साइज होती है, ठीक है, जो हमारे पास ऑफिस यूज के लिए होता है। इसके अलावा जो फोटोकॉपी वाले यूज करते हैं वो होता है आपकी लीगल साइज, कौन सी साइज है, लीगल साइज, थोड़ी सी लंबाई में बड़ी होती है, बल्कि यहाँ पर देखें आपको हर पेज की साइज दिखाएगा 8.5 इंच एक्स 14 इंच, यानी कि 14 इंच उसकी लंबाई होती है और 8.5 जो है वो इंच उसकी तकरीबन चौड़ाई होती है। अगर आप A4 की साइज देखना चाहते हैं तो आप A4 की साइज देख सकते हैं 8.27 इंच एक्स 11.69 जो है वो इसकी लंबाई और चौड़ाई ये बता देता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमने प्रिंट A4 पे करना होता है लेकिन हमारा डेटा एक पेज पे पूरा नहीं आ रहा होता, तो हम अपनी मार्जिन को सेट कर सकते हैं, इन मार्जिन को हम इंडेंट भी कहते हैं, आगे चलकर इंडेंट का ऑप्शन आएगा। नॉर्मल मार्जिन हमारे पास ये चल रही है, मैं पेज दूसरा ले आता हूँ ये देखें, और इसको हम लैंडस्केप के बजाय कर देते हैं पोर्ट्रेट, ठीक है जी। A4 जो साइज है इस तरीके से, अब इसकी जो ओरिएंटेशन है देखिए, यहां से ये लाइन शुरू हो रही है वहां पर खत्म हो रही है। अगर मैं चाहूं कि यार मैं इसकी थोड़ी सी जो है वो मार्जिन बढ़ा दू, मेरा डेटा ज्यादा आ जाए, या मैं मार्जिन थोड़ी सी कम कर दू और मेरा डेटा दो पेजेस पे डिवाइड हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं नॉर्मल मार्जिन पे जाऊंगा, मैं इसको नैरो कर दूंगा, अगर बढ़ानी है मैंने तो मैंने नैरो कर दिया उसे, ठीक है। अगर मैंने कम करनी है तो मैं मॉडरेट कर सकता हूँ या वाइड कर सकता हूँ, जैसे मैं वाइड करता हूँ तो मेरी मार्जिन बढ़ जाएगी, डेटा की जगह कम हो जाएगी, मार्जिन बढ़ने से डेटा कम होता है, मार्जिन कम होने से डेटा की जगह ज्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये था हमारा प्रिंट फंक्शन, हमने वर्बली इसको चीजें सीखी, अब मजीद हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारा जो फंक्शन था शेयर का, शेयर के थ्रू आप डायरेक्ट सेव टू क्लाउड फाइल, क्लाउड फाइल में आप जा सकते हैं, ईमेल आप कर सकते हैं, ठीक है, ये तो नेट होगा तभी उसको जो चलाएंगे। एक्सपोर्ट से आप क्रिएट PDF या XPS डॉक्यूमेंट, ठीक है। अच्छा, PDF के आपको ऊपर यहाँ पे डॉक्यूमेंट की चीजें बता रहे हैं कि क्या क्या फॉन्ट्स और इमेज होंगे, फॉर्मेटिंग होगी, प्रिजर्व जो है वो लेआउट होगा, चेंज फाइल टाइप आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली आप क्रिएट PDF कर सकते हैं, आप अपनी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब आप क्लोज करते हैं तो यहाँ से आप क्लोज करेंगे, देखें ये आपके पास ऑप्शन आ गया कि आपने इसको सेव करना है नहीं करना है, अगर आपने सेव करना है तो सेव पर क्लिक कर दें, अगर नहीं करना तो डोंट सेव करेंगे। देखें वो आपकी जो डॉक्यूमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन की वो बंद हो गई। अगर आप इसको भी बंद करना चाहते हैं तो फाइल में जाकर
हम क्लोज कर सकते हैं, या यहाँ पर हमारे पास एक क्लोज का बटन आ रहा होता है, हम डायरेक्टली भी इससे क्लोज कर सकते हैं अपनी फाइल को। अब आप लोगों के पास 5 मिनट है, अगर कोई सवाल करता है। जिसमें आपके पास है क्लिप बोर्ड, देखिये तस्वीर आप लोगों को नजर आ रही होगी, ठीक है। क्लिप बोर्ड में क्या क्या चीजें हैं, उन सब के नाम आपको आ जाएंगे और फंक्शन इसमें हम आ जाएंगे। सबसे पहले हमारा क्या फंक्शन है, इस तरफ देखें, कोशिश करें। सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन आ रहा है अनडू, इसका नाम है अनडू। यू कैन बैकअप योर वर्क विद द अनडू फंक्शन, आप अपने किए गए काम को पीछे की तरफ ले जा सकते हैं, बैक कर सकते हैं, किस फंक्शन के थ्रू, अनडू के थ्रू। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस जेड, आप कीबोर्ड के जरिए कंट्रोल जेड प्रेस करते जाएंगे तो आपकी चीजें अनडू होती जाएंगी, पीछे जाती जाएंगी, ठीक है। जैसे कि अनडू के लफ्ज से ही पता चलता है कि जो चीज आपने डू की है उसे अनडू करना है, ठीक है। सेकेंड इसका ऑप्शन है, इसी अनडू का उलट है रीडू, मतलब वो काम जो आपने एक बार अनडू कर दिया था, यानी कि आपने एक बार काम किया, आपने उसको अनडू करके बैक कर दिया, आप चाहते हो नहीं मैंने जो काम बैक किया था वही काम मैं दोबारा आगे ले आऊं, तो उसको हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, रीडू, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई अनडू, रीडू की शॉर्टकट की है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन आ रहा है कट का, कट क्या करता है, विद दिस फंक्शन यू कैन मूव फॉर्म्स इमेज एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। अगर आपने किसी चीज को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाना है, ठीक है, मूव करना है, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे इमेज है, चाहे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको मूव करना चाहते हैं तो हम कट के फंक्शन से उसको एक जगह से खत्म करके दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स। क्या है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है। अब हमारे पास कॉपी, देखिए कट का फंक्शन क्या करता है कि आपने अगर किसी चीज को कट किया तो वो चीज वहां से हट जाएगी, उस जगह से हट जाएगी और दूसरी जगह पर आप ले जाकर उसको दोबारा रख सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक फंक्शन है कॉपी, कॉपी क्या करता है, विद दिस फंक्शन यू कैन कॉपी फॉर्म, कॉपी फॉर्म इमेज एनी ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी इमेज को, किसी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं, यानी कि उसकी एक जगह पर जहां पर वो लिखा हुआ है वहां पर भी मौजूद रहे और उसकी 2, 3, 4 कॉपीज बना के आप दूसरे पेजेस में भी रखना चाहते हैं, तो आप कॉपी के फंक्शन को यूज करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। फॉर्मेट प्रिंटर एक ऐसा फंक्शन है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, लेकिन इसका एक बेहतरीन जो है वो फंक्शन है और बड़ी आसानी से करता है ये। आपने अपने टेक्स्ट को जो फॉर्मेटिंग दी होती है, फॉर्मेटिंग मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जो मैंने वर्ड पर पढ़ाया था, मैंने कहा कि हम जो टेक्स्ट को साइज देते हैं, यानी कि साइज को चेंज करना, कलर चेंज करना, उसका फॉन्ट फेस चेंज करना, ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो अगर आप कॉपी करते हैं तो कॉपी करने से ये टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा, वो जुमला कॉपी हो जाएगा, लेकिन अगर आप फॉर्मेट प्रिंटर करते हैं तो जो फॉर्मेट आपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किया हुआ है वो कॉपी हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने 4 जुमले ऐसे लिख दिए जिनको आपने रेड कलर दिया हुआ है, जिनकी साइज आपने बढ़ाई हुई है, जिनको आपने बोल्ड टाइप किया हुआ है, आपने 4 जुमले नीचे लिखे और उनमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं की, आप चाहते हैं वही ऊपर वाली फॉर्मेटिंग
मैं नीचे भी ले आऊं, तो आप क्या करेंगे, पहले उस जुमले में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे, चाहे एक वर्ड ही पूरा कर लेंगे, और आप फॉरवर्ड पैटर्न पर क्लिक करेंगे। फॉरवर्ड पैटर्न पर क्लिक करने के बाद आप जिन प्रोग्राम को आप फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करते जाएंगे, और जहां तक सिलेक्ट करेंगे वो फॉर्मेट कॉपी होकर उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसको हम कहते हैं फॉर्मेट पैटर्न। ठीक है जी, अब कट तो हमने कर लिया, उस डेटा को वापस कैसे लाएंगे? जब कट हो जाता है तो चीज चली जाती है, या हम जिस चीज को एक जगह से कॉपी कर लेते हैं तो उसको दूसरी जगह पर हम कैसे ले जाएंगे, वो हम ले जाते हैं पेस्ट की मदद से। किसकी मदद से? पेस्ट की मदद से। अगर आप कोई चीज कट कर लेते हैं या कॉपी कर लेते हैं तो पेस्ट की मदद से। दिस फंक्शन अलाउज यू टू रिप्रोड्यूस कॉपीड और कट डेटा। डेटा कॉपी किया हुआ है या कट किया हुआ है, उसको दोबारा नमूदार करने के लिए, दोबारा जाहिर करने के लिए हम इस पेस्ट फंक्शन को यूज करते हैं। इसकी शॉर्टकट की मैं लिखी हुई, मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस वी जो है वो इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, एक स्लाइड और चला लेते हैं, फिर हम तसल्ली से उसको प्रैक्टिकल करते हैं, फिर आपको जो है वो टाइम दे देंगे, टाइम भी काफी हो गया। देखिए इसी होम टैब में हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, फॉर्म क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो एक क्वेश्चन है फॉन्ट का क्वेश्चन है, उसके बाद पैराग्राफ है। तो हम फिलहाल फॉन्ट के क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, ताकि अभी जो आप चीजें टाइप करेंगे आप उनमें जो है वो फंक्शन अप्लाई करने हैं। ठीक है, फंक्शन डिटेल ऑफ फॉर्म टैग। सबसे पहला हमारे पास देखिए यहाँ पर एक चीज आ रही है, एक कैपिटल लिखा हुआ है और एक स्मॉल लिखा हुआ है, इसका होता क्या है? दिस फंक्शन अलाउज यू टू चेंज द सेंटेंस केस। अब जरा पढ़े लिखे लोग तैयार हो जाए, बताएं कि सेंटेंस केस क्या होता है। पढ़ा सेंटेंस केस क्या होता है? There are five sentence cases. कितने हैं? पांच sentence केस होते हैं। एक जुमला जब आपने टाइप किया, देखेंगे एक जुमला लिखा हुआ है, this टी कैपिटल है, बाकी फुल स्टॉप तक कोई भी लेटर कैपिटल नहीं आ रहा, इस केस को हम कहते हैं sentence केस। कौन सा केस कहते हैं? Sentence केस। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो चीजें मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होता है अपर केस। अपर केस में क्या होगा, ये सारे जो लेटर्स हैं ये कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? कैपिटल हो जाएंगे। एक है लोअर केस। लोअर केस में क्या होता है, तो ये जो टी है ये भी आपका स्मॉल अल्फाबेट में आ जाएगा, स्मॉल लेटर में आ जाएगा, और आपका पूरा जुमला जो है वो लोअर केस में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है टाइटल केस। क्या आता है? टाइटल केस, जिसे हम कैपिटलाइज ईच वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या होता है, तो मिसाल के तौर पर दिस लिखा हुआ है, दिस का डी कैपिटल है, फंक्शन लिखा हुआ है तो फंक्शन का एफ कैपिटल है, अलाउ लिखा हुआ है तो अलाउ का ए कैपिटल है, यानी कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा तो वो जो है वो कैपिटलाइज ईच वर्ड या टाइटल केस कहलाते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई चीज किसी चीज का टाइटल लिखते हैं, किसी चीज का नाम लिखते हैं, तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। इसके अलावा लास्ट में आपके पास आता है टॉगल केस। टॉगल केस क्या होता है, ये अक्सर आप लोगों ने कभी किसी ने फेसबुक में देखा होगा, किसी लड़के अपने नाम रखते हैं तो पहला जो टी है मिसाल के तौर पर इसका तो टी इस्तेमाल कर देंगे और बाकी जो है वो कैपिटल कर देंगे, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड का उलट है टॉगल केस। इस तरीके से टाइटल केस है उसका उलट है टॉगल केस। ठीक है, तो ये फाइव केसेस होते हैं, इसको हम चला देखते हैं अभी कि केस कैसे हम सेंटेंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपने चीजें टाइप कर दी और आपको परेशानी हो रही है, इसको तो मैंने कैपिटल में करना था, इसको मैंने सेंटेंस केस में करना था, तो ये इस केस की मदद से, चेंज केस की मदद से हम कर सकते हैं। ठीक है,
हमने अभी पढ़ा फॉर्मेट पेंटर कि हम एक तरह से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर देते हैं। ये आपको एक फंक्शन आ रहा है जो आपको बता रहा है कि क्लियर और फॉर्मेटिंग फंक्शन अलाउज यू टू रिमूव फॉर्मेटिंग अप्लाई टू योर टेक्स्ट। अगर आपने किसी टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई किया हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं अपने टेक्स्ट को बिल्कुल सिंपल बना दूं, उसकी सारी फॉर्मेटिंग खत्म कर दूं, तो मैं क्लियर आल के फंक्शन का क्लिक करके पहले मैं अपना टेक्स्ट सेलेक्ट कर दूंगा, क्लियर आल फॉर्मेटिंग कर दूंगा, तो उसकी सारी फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए एक जो है वो लिस्ट बॉक्स इसको कहते हैं हम। दिस फंक्शन अलाउज यू टू चेंज द फॉन्ट फेस ऑफ द फॉन्ट। फॉन्ट का जो चेहरा है, जो स्टाइल है, जो डिजाइन है, उसको चेंज करने के लिए हम इस फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ए लिखा होगा, नीचे एक लाइन में रेड कलर आ रहा है। ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन अलाउज यू टू चेंज द फॉन्ट कलर। फॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए, तब्दील करने के लिए हम इस फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ए भी लिखा हुआ है, एक पेन और नीचे येलो कलर आ रहा है। बेसिकली दिस इज द हाइलाइटर। हाइलाइटर कभी यूज किया है किसी ने? डिफरेंट टाइप का होता है, डिफरेंट कलर का होता है, जिसमें आपका ग्रीन कलर भी आता है, जिसमें आपका येलो कलर भी आता है, जिसमें आपका पिंक कलर भी आता है। तो ये अगर आप कंप्यूटर के अंदर किसी टेक्स्ट को, किसी फंक्शन को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो इस फंक्शन की मदद से आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ए लिखा हुआ है, जिसमें थोड़ा सा कुछ शेडो भी बना हुआ है। ये है फॉन्ट के ऊपर डिजाइन करना। विद दिस फंक्शन यू कैन गिव डिफरेंट डिजाइंस टू द फॉन्ट। कि आपने जो टेक्स्ट टाइप किया है, जैसे मैं आपको पहले ही उसमें बता दिया इसकी डेफिनेशन में, कि इट इज नॉट लिमिटेड टू वर्किंग विद टेक्स्ट। ये सिर्फ आपको टेक्स्ट लिखना नहीं है, आप उसको डिजाइन कर सकते हैं, आप उसको शेडो दे सकते हैं, आप उसको इम्पोज कर सकते हैं, आप उसको जो है वो रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस फंक्शन से करते हैं। ठीक है जी, ये एक फंक्शन है जिसमें देख रहे हैं एक्स टू लिखा हुआ है, टू नीचे आ रहा है, यहाँ पर एक्स टू लिखा हुआ है, कुछ ऊपर आ रहा है। आया कुछ समझ में आ रही है कि ये क्या चीजें हैं? पढ़े लिखे लोग हाजिर हो, आज पढ़ रहे किसको आ रहा है समझ में? क्योंकि ये मैथ या साइंस की चीजें जिन्होंने पढ़ी है, जैसे एक्स टू पावर होती है, आप एच टू ओ लिखते हो तो टू नीचे आ जाता है। किसी फॉर्मूले को आप इस तरह देखें, लाल जोड़े इसको समझ नहीं आएगा, बता रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं समझो, पहले इधर समझे फिर उधर समझे। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये है दीज फंक्शंस अलाउ यू टू इंक्रीज, सॉरी अच्छा ये इनका है, ये इनका है, इससे हम साइज बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो कर लेंगे इसको बुलेट एंड नंबर, चलिए लास्ट में इसको। ये जो हमारा फॉन्ट है एक्स टू लिखा हुआ है, एक्स टू, दीज फंक्शन अलाउज यू टू अप्लाई सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। अगर आपने किसी चीज की पावर देनी है तो वो कहलाएगा सुपर स्क्रिप्ट। जो ऊपर वाला टू है सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है, और जो नीचे वाला टू है क्या कहलाता है? सब स्क्रिप्ट। कभी कभार आप कोई पेपर टाइप कर रहे होते हैं, आप कोई ऐसे डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं जिसमें आपको कोई फार्मूला लिखना हो जाए, तो अगर आप एच टू वो सिंपल लिख देंगे तो वो तो बराबर लिखा होगा, वो कोई समझेगा नहीं कि ये फार्मूला है या नहीं है। तो हम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की मदद से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ई आई यू, विद दिस फंक्शन यू कैन बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करने से आपका फोन थोड़ा सा मोटी शेप में आ जाता है, इटैलिक से फोन थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, और अंडरलाइन करने से आपके फोन के नीचे, आपके जुमले के नीचे लाइन आ जाती है। ठीक है, इनकी शॉर्टकट कीज भी मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक, एंड कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन। समझ में आ रहा है? सवाल थोड़ा सा चीजें तेजी के साथ चल रही है,
मुझे पता है डिफिकल्टीज होंगी, लेकिन इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल करते जाएंगे इसका, तो उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिस का मौका भी इंशाल्लाह दे दूंगे पढ़ाई के बाद, ताकि आप तमाम चीज़ों में प्रैक्टिस करें। फिर ग्रुप के अंदर भी आपको इंशाल्लाह कोई डिस्कशन करनी होगी तो उसको भी जो है वो करनी होगी। ठीक है सर जी, हाँ बिल्कुल सर, फॉरवर्डिंग वाला उसके लिए हम पूरे होने का टाइम टेबल वो पूरा उसके क्लियर करेंगे या जो सिलेक्ट करेंगे वही होगा। मतलब आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाई हुई, मैंने आपको पहले ही वो चीज क्लियर कर दी थी, अगर आप किसी चीज को फॉर्मेट करते हैं या किसी चीज को फॉर्मेट क्लियर करते हैं तो जितना हिस्सा आपका सिलेक्टेड होगा उसी पे वो चीज अप्लाई होगी फंक्शन, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। जो अनसिलेक्टेड है उसके ऊपर कोई ऐसा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यानी कि उसको जो आपका हिस्सा सिलेक्टेड होगा उसकी सारी फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, चले प्रैक्टिकल की तरफ, अब मजीद देखें फिर आप चीजों को जो है वो प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। 20 मिनट है हमारे पास, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक देने की आप लोगों को, अब तो नहीं गए चले, शुक्र थके नहीं। इन्फो की मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको यही चीज समझाई थी कि जब आप किसी भी चीज को करने जाते हैं तो सिलेक्शन मस्ट होती है, सिलेक्ट करेंगे चीजों को तभी जो है वो होगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें क्लिपबोर्ड में चीजें आपकी कुछ चीजें डिसेबल नजर आ रही है, देखिए इधर कुछ चीजें आपको डिसेबल नजर आ रही है, जैसे कि कट कॉपी पेस्ट है, क्यों डिसेबल नजर आ रही है, क्योंकि कोई चीज सिलेक्टेड नहीं है। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो सिस्टम को पता चलेगा कि आप अगर किसी चीज को कट करना चाहें तो कट भी कर सकते हैं। आप देखें ये दोबारा से आपके पास इनेबल हो गई और अब आपको ये कलरफुल आइकॉन नजर आ रहे होंगे। मैं अगर किसी चीज को कट करता हूँ, यहाँ से देखें कट कर लिया और वो जुमला मेरा यहाँ से कट हो गया, मैं नीचे आ गया, नीचे आने के बाद देखें अब जो कट और कॉपी का फंक्शन है वो डिसेबल नजर आ रहा है, लेकिन पेस्ट का फंक्शन जो है वो इनेबल नजर आ रहा है। इस पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो जो सेंटेंस जो वर्ड मैंने कट किया था वो नीचे पेस्ट हो गया। और इसका एक और फायदा मैं आपको बता दूं, एक बार कट करने से वो चीज कॉपी हो जाती है, आप जितनी बार इसको पेस्ट करते जाएंगे ये दोबारा आपके पास चीजें ये सेंटेंस आता जाएगा। ठीक है, अब दोबारा मैं ये एक नीचे सेंटेंस लिखा हुआ उसको मैंने सिलेक्ट किया, देखें इस तरफ, फिलहाल सिस्टम पे ना करें काम, इधर देखें कोशिश करें समझें चीजों को, समझेंगे तो आसानी होगी। ठीक है, एक बार आप करते जाएंगे जब मैं चुप करूंगा फिर आप भूल जाएंगे, इसलिए बता रहा हूं। देखें कॉपी की, मैंने जैसे मैंने कॉपी किया तो अब वो जो पहले मैंने कट किया हुआ था वो उसकी कॉपी खत्म हो गई, अब ये जो सेंटेंस है ये मेरा कॉपी हो गया है और अब इसको मैं कहीं पर भी ले जाकर मैं दोबारा इसको भी पेस्ट करूंगा, तो देखें वही सेंटेंस जो मैंने कॉपी किया था कट करने से ये हुआ था कि ये एजुकेशन का वर्ड यहाँ से कट हो गया था और नीचे आ गया था, लेकिन कॉपी करने से जो सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है वही सेंटेंस यहाँ पर भी मौजूद है और जितनी बार आप पेस्ट करना चाहेंगे उसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब मैं थोड़ा सा चीजों को पहले वो कर दूं, थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, अटैलिक कर देता हूँ, इन चीजों को आपको समझते हैं, कलर मैंने चेंज कर दिया, यहाँ से डायरेक्टली मैं साइज बढ़ा दी। अब देखिए ये दो सेंटेंस हैं जिनको मैंने फॉर्मेटिंग दे दी, क्या कर दी, फॉर्मेटिंग दे दी। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अब या तो मैं इन जुमलों को, मैं चाहता हूँ यही फॉर्मेटिंग इन सेंटेंसेस में भी आ जाए, अब या तो ये है कि मैं इनको सिलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा से वही फंक्शन यूज करूंगा जो यहाँ पर मैंने किए हैं, अब यहाँ मैं कहता हूँ यार अब मुझे तो याद नहीं है कि मैंने क्या क्या चीजें इसको अप्लाई की थी, या इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि एक जुमले के लिए मैं हर चीज बार बार फॉर्मेटिंग चेंज करता रहूं,
तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल इस एक वर्ड को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, पूरे जुमले को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग हमारे पास आ रही है, फॉर्मेट एंटर पे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक किया मैंने इस पर, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब जहां पर मैंने पेस्ट करना है, देखिए आपके कर्सर के साथ एक पेंट का ब्रश भी आ रहा है जिसे हम वार्निश करते हैं, ठीक है। तो जिस जिस सेंटेंस को मैं सिलेक्ट करूंगा, और एक ही बार होगा, जहां मैंने सिलेक्शन छोड़ दी वो चीज फॉर्मेटिंग उसकी चेंज हो गई, लेकिन उसके बाद फिर फॉर्मेट पेंटर का काम खत्म हो गया। अब अगर मैं इनको सिलेक्ट भी करता हूं तो इनके ऊपर कोई फंक्शन नहीं होगा। या तो मैं ये करूं कि एक बार सिलेक्ट करने के बाद, एक बार फंक्शन सिलेक्ट करने के बाद जितना डेटा मुझे उस फॉर्मेट में चाहिए मैं उसको सिलेक्ट कर लूं, तो ये फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कौन की चीजों में हमने चीजें कुछ इस्तेमाल भी की, देखें सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन के बगैर कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ये हमारा कहलाता है फॉन्ट फेज। क्या कहलाता है ये? फॉन्ट फेज। इससे आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, जो आप यहाँ लाएंगे देखें पीछे भी वो चेंज आपको होता हुआ नजर आ रहा है। जिस पर मैं क्लिक करूंगा, इस पर मैंने क्लिक किया तो देखें ये मेरा फॉन्ट फेज चेंज हो गया। यहां से डायरेक्टली मैं साइज बढ़ा सकता हूँ, इतनी साइज मैंने बढ़ानी है, देखिए 38 पर रख लेता हूँ। इसके अलावा ये जो फंक्शन है ये आपको 72 से ऊपर की साइज देता है, कि आप अगर इसको मजीद आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं इस पर क्लिक करता जाऊंगा, देखिए आप जितना इसको बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से आप जितना इसको घटाना चाहें घटा सकते हैं, चाहे आप मजीद घटाना चाहें चाहे बिल्कुल आप इसको कम करना चाहें, देखिए बिल्कुल आपकी ऐसी सारी बात भी आपको नजर भी नहीं आ रही। तो ये साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखें आगे चेंज केस में, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, सबसे पहले मैं एक जुमला सिलेक्ट करता हूँ, इससे ये जो जुमला हमारे पास लिखा हुआ है ये किस फॉर्मेट में है, सॉरी किस केस में है बताएं, ये वाला जो फॉर्मूला है सॉरी सेंटेंस है किस केस में लिखा हुआ है, ये वाला किस में है? सेंटेंस केस में लिखा हुआ है। किस केस में लिखा हुआ है? सेंटेंस केस में। अब आप ऊपर देख सकते हैं सेंटेंस में जो है वो सेंटेंस केस में एस कैपिटल आ रहा है, बाकी सारे स्मॉल आ रहे हैं। आपको कंप्यूटर खुद चीजें बता रहा होता है कि मैं आगे क्या करने जा रहा हूँ, मेरा ये फंक्शन क्या करने जा रहा है, ठीक है। लोअर केस में देखें आप, सिंपल सारी चीजें आपको लोअर केस में मिल गई। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा जुमला जो सेंटेंस केस में लिखा हुआ था वो लोअर केस में चेंज हो जाएगा, और मेरा जो एडिट क्राफ्टर का ई जो है वो कैपिटल था वो स्मॉल में आ गया, ठीक है। इसके बाद अपर केस अगर मैं करता हूँ तो सारा सेंटेंस मेरा कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा, और अगर मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड करता हूँ तो देखिए एजी क्राफ्टर का ई कैपिटल हो गया, एकेडमी का ए कैपिटल हो गया, और हब का एच कैपिटल हो गया, ठीक है। और अगर मैं टॉगल केस करता हूँ, जिसमें आपको बताया था कि ये टाइटल केस या कैपिटलाइज ईच वर्ड का उल्लेख होता है, तो देखिए एजी क्राफ्टर का ई स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया, एकेडमी का ए स्मॉल हो गया, और हब का एच स्मॉल हो गया, और बाकी के वर्ड्स लेटर्स कैपिटल हैं। तो ये है हमारा चेंज केस। ज्यादातर जो हम चीजें रखते हैं वो किसको लिखते हैं? सेंटेंस केस में, कि पहला हमारा जुमले का लेटर कैपिटल और बाकी फुल स्टॉप तक हमारे पास स्मॉल चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आ रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग, मैंने एक ही जुमले को सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ? जो भी हमने फॉर्मेटिंग दी थी, जो कलर दिया था, जो साइज चेंज की थी, वो सारी चीजें खत्म होके जैसे पहले फर्स्ट टाइम में हमने टाइप किया था जुमला वैसे ही हमारे पास आ गया, अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया, ठीक है।
उसके अलावा यहाँ पर हम कलर चेंज कर सकते हैं। मैं एक लफ्ज पीछे जाके कंट्रोल जेड करके दोबारा अपने जुमले को ले आता हूँ और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। देखें कोई भी कलर जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करने जाएंगे तो इवन के आप ग्रेडिएंट कलर भी यूज कर सकते हैं। ग्रेडिएंट कलर यह होता है कि दो कलरों का मिलाप होता है या कोई ऐसे शेड बना होता है, तो उसको भी आप यहाँ पर अपने सेंटेंस के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से अगर आप कलर चेंज करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपने इसी सेंटेंस को हाईलाइट करना है तो देखिए यहाँ से मैं इसको हाईलाइट करूंगा, देखिए आपको क्रैक में वो कलर जो है वो नजर आ रहा है। जो भी कलर आपने रखना है उससे आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। मैं येलो रख देता हूँ क्योंकि फोन का कलर ब्लू है तो हाईलाइट में ज्यादा नजर आएगा। ठीक है, अब एक और चीज थोड़ा सा इसको गौर करना। अब अगर मैं इसको क्लियर फॉर्मेट करता हूं हुआ क्या, क्या हुआ, क्या चेंजिंग हुई? हाईलाइटर नहीं गया। क्या नहीं गया? हाईलाइटर मौजूद है, क्योंकि हाईलाइटर फॉर्मेटिंग में नहीं आता, ये अलग से आप उसको हाईलाइट करने के लिए देते हो। अगर आपने हाईलाइटर जो है वो खत्म करना है तो यहाँ से जाकर आप उसको नो कलर कर देंगे तो ये हाईलाइटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, दोबारा हाईलाइट कर देते हैं, बल्कि बदल दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब मैं जाता हूँ इस फंक्शन पे तो मेरे पास कुछ टेक्स्ट के डिजाइन आ रहे हैं। मैं डायरेक्टली इन डिजाइन को यूज कर सकता हूँ। कभी कभार हम टाइटल वगैरह लिखने के लिए, हेडिंग लिखने के लिए हम इस तरह के जो टेक्स्ट है उनको हम अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये एक कलर ले लिया और अब इस कलर को मैं मजीद जो है वो इसके ऊपर काम करने जा रहा हूँ। देखें क्या होगा कि यहाँ से मैं चला गया इसके ऊपर आउटलाइन, एक इसका फिल कलर होता है एक इसका आउटलाइन कलर होता है। मैंने पहले आपको बताया था कोई भी ऑब्जेक्ट हो एक फिल होता है और एक स्ट्रोक कहलाता है या आउटलाइन कहलाता है। अगर मैं आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहूँ तो देखिए आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मैंने ग्रीन रखा है, देखिए मेरे पास जो उसके अंदर फिल का कलर है वो अलग है और आउटलाइन का कलर अलग हो गया। अगर मैं फिल का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो फिल का कलर कहाँ से चेंज होगा? फिल का कलर यहाँ से चेंज नहीं होगा, फिल का कलर यहाँ से चेंज नहीं होगा। कहाँ से होगा? यहाँ से चेंज होगा। फिल का कलर कहाँ से चेंज होगा? जहां से आपने टेक्स्ट को कलर किया था वहां से आप फिल के कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मजीद इसमें देखें शेडो हम दे सकते हैं, डिफरेंट टाइप के शेडो हमारे पास आ रहे हैं। अगर किसी को कोई शेडो रखना है तो वो शेडो हम इस तरीके से टेक्स्ट के ऊपर रख सकता है आपके। ठीक है, इसके अलावा रिफ्लेक्शन देनी है, रिफ्लेक्शन आ जाएगी। देखें शेड जो आता है अक्स जिसे हम कहते हैं उर्दू में, अक्स आ जाएगा कि आपका जुमला ऊपर लिखा हुआ नीचे उसका अक्स भी जो है वो आ रहा है। और उसके बाद हमारे पास ग्लो, ग्लो एक लाइटिंग टाइप होती है, चमक जिसे हम कहते हैं, तो आप अपने फोन को ये ग्लो भी दे सकते हैं। ग्लो टाइप जो आप कलर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, ग्लो के ऑप्शन पे चले जाए वहां पर भी आपको चीजें मिलेंगी। यहाँ से हम जितना ग्लो ज्यादा है रखना है, कम रखना है, पॉइंट्स के हिसाब से आपको बता रहा है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से मैंने इसको रख दिया। ठीक है, ग्लो भी दे दिया आपने, शेडो भी दे दिया आपने। सिर्फ चीजें समझने के लिए मैंने एक ही जुमले पर अप्लाई किया है, आप लोग अलग अलग चीजों पर अप्लाई करके देख सकते हैं कि उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है और हमें इस चीज की जरूरत कब और कैसे पड़ सकती है। अब मजीद बोल्ड कलर करना आप लोगों को सबको आता है। मैंने कहा था H2O, इसकी मैं फॉर्मेट खत्म कर देता हूँ क्योंकि आपको समझ आ जाए। फॉर्मेट खत्म करने के बाद मैं साइज बढ़ा देता हूँ। अब ऐसा है कि टू को मैंने नीचे करना है, अगर ऐसे लिखूंगा तो कोई भी उसको फार्मूला नहीं कहेगा,
ये सब स्क्रिप्ट है, ठीक है। कंट्रोल प्लस इक्वल इसकी शॉर्टकट की है, आपको यहाँ से भी शॉर्टकट कीज मिल जाती है अगर आप देना चाहें तो। अब देखिए ये H2O एक फॉर्मूले की जो है वो फॉर्मूले की टाइप में आ रहा है। यहाँ मैं कहता हूँ X की पावर 2, तो पावर देने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, सुपर स्क्रिप्ट यूज करूंगा, और ये मेरे पास X की पावर 2 बन के आ गया। ये इसलिए भी हम यूज करते हैं, एक चीज और आपको दिखा दूं, मिसाल के तौर पर हमने कोई हमने लिखा थर्ड टी के तीन लिखा आर डी शॉर्ट में स्पेस प्रेस किया, सुपर स्क्रिप्ट की तरह ये ऊपर चला जाता है।